फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? वेलकम बैक मी यूट्यूब फ्रेंड। देखिए मॉर्निंग का टाइम है और मैं सुबह सुबह तल रही हूँ कचौरियाँ। और कौन सी कचौरी पता है आप लोगों को? जो उस दिन मैंने कचौरी का जो ब्लॉग बनाया था वही कचौरी है। और ये देखिए मैंने फ्रिज में रखा था, ये फ्रिज में रखी थी कचौरी देखो। और मैंने इसको इधर देखिए इस तरह से मैं गर्म कर रही हूँ तवे के ऊपर। ये देखिए इस तरह से मैं गरम कर रही हूँ, फिर तेल में मैं डाल रही हूँ और बहुत अच्छे से खिल खिल के आ रही है। हम देख सकते हैं कि कितनी खिली हुई कचौरी है, ये देखिए। और मैं हस्बैंड को दे रही हूँ नाश्ता, बैठे हुए हैं नाश्ता करने के लिए। तो चलिए मैं उनको नाश्ता दे के आती हूँ। देखिए कितनी अच्छी से खेल रही है कचौरी देखो, बिना कोई मेहनत के, बिना कोई झंझट के, और बिल्कुल फूट नहीं रही है। बहुत मतलब अच्छे से खेल रही है। बस मीडियम फ्लेम पे सेकना है। और ये देखिए अभी इधर भी पड़ी हुई है जो कि इसको मैं फ्रिज में से निकाली। तो जितना मुझे सेकना है ना, जितना मुझे सेकना है उतना ही मैं गर्म कर रही हूँ। वैसे हमें गरम करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट हमें मतलब तुरंत फ्राई करना है, इसके लिए मैं गरम कर रही हूँ। नहीं तो अगर आपको थोड़ी देर में फ्राई करना है तो आप फ्रिज से बाहर निकाल के रख सकते हैं 15-20 मिनट के लिए, फिर उसके बाद फ्राई कर सकते हैं। सुबह सुबह आप लोगों को अगर खाना है कचौरियाँ, गरम गरम कचौरियाँ, तो आ जाइए मेरे घर पर कचौरी खाने के लिए। अब भाई मेरा चला गया है कॉलेज और आदित्य अपना क्लास अटेंड कर चुका है, तो पौने घंटे का रहता है। आयुष भी अपना क्लास अटेंड कर चुका है, तो अभी उन दोनों को नहाना है, नहाए नहीं है। और हम लोगों का नहाना हो गया है, पूजा पाठ हो गया है, उनको जाना है ऑफिस। तो मैं सोचे चलो फ्राई करके फटाफट, सुबह बनाने का झंझट नहीं था बस, बट खाली फ्राई करना था। और रात को मैंने बनाया था यहाँ पे छोला, ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाया था छोला। तो इसी छोले को मैंने बच गया था, तो इसी छोले को मैंने गरम कर दिया है और वही गरम करके मैं दे रही हूँ उनको। सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है इनको, क्योंकि काम पे जाना होता है, दोपहर को कब आए कब नहीं आए इनका कोई भरोसा नहीं रहता है। तो इसके लिए मैं सुबह इनको नाश्ता अच्छे से मतलब पेट भर के करा देती हूँ। और आप लोग ठीक है ना? और मेरे जो ऑफिस का जो ब्लॉग था उस पर इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग बस अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे बनाए रखना मेरे ऊपर, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप मतलब आप लोग बस ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। तो देखिए मेरा आयुष भी आ गया नाश्ता करने के लिए। हेलो करो आयुष, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो देखो आयुष भी अभी नहा धो के आ गया नाश्ता करने के लिए। और मैं अभी भी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि लोगों को खाना है। और मेरे इधर देखिए चाय भी हो गई है, मैंने चाय पीनी है हम लोगों को। तो देखिए कि कचौरियाँ मेरी तल गई हैं और मैं भी अभी जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ते में लिया है दो कचौरी और थोड़े से छोले और इधर है चाय। तो चलिए आप लोग भी आइए हमारे साथ, बाकी सबका नाश्ता। तो फाइनली सबका मतलब नाश्ता हो गया और हस्बैंड भी चले गए, हस्बैंड जी चले गए ऑफिस नाश्ता वास्ता करके। अब मुझे बाकी घर का काम करना है। मैंने कपड़ा भी डाल दिया मशीन में, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। किचन पे है बहुत सारे बर्तन जो मुझे धोना है। और इधर मैंने धोया था ब्लैंकेट क्योंकि अभी क्या है ना फ्रेंड, ठंडी मतलब चली गई है ना, तो हमने सोचा कि बहुत हैवी था मोटा वाला, हमने सोचा धो के इसको रख देते हैं। अभी क्या ठंडी चली गई तो अभी कोई मतलब नहीं है ना ब्लैंकेट का। तो चलिए मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप लोग मेरे ब्लॉग में बनी रहिएगा, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, सुबह से आप भी ब्लॉग में आई, कुछ रीज़न नहीं था ब्लॉग बनाने का। तो आज मैं सुबह के बाद जस्ट अभी आ रही हूँ, तो अभी बज रहा है 8:30 रात का। और
अभी मुझे बनाना है रात का डिनर। तो रात के डिनर में मैं सोच रही हूँ ना आज आलू का पराठा बनाने के लिए। मन नहीं कर रहा है आलू का पराठा, बहुत दिन हो गया। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में और आपको दिखाती हूँ कि मेरे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। तो ये देखो आयुष को लगा दी हूँ काम पे। आयुष कर रहा है पालक साग और आदि बैठ के देख रहा है टीवी। तो चलिए मैं अभी किचन में आ गई और किचन में हम लोग बनाते हैं रेसिपी में। कुछ ऐसा खास तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जो मैंने सामान लिया है आलू का पराठा बनाने के लिए वो तो बहुत आसान हो गया, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ आलू के पराठे में क्या क्या हमें चाहिए। तो फ्रेंड आलू का पराठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया आलू। आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है। यहाँ पे लिया है, यहाँ है लहसुन, मिर्ची, कड़ी पत्ता, हरा धनिया। यहाँ पे मैंने लिया है, देखिए मसाले हैं, गरम मसाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक है। और तड़के के लिए लिया है मैंने यहाँ पे मेथी दाना और ये कलौंजी है और मंगरेल बोलते हैं। यहाँ पे है जीरा, ये है सौंफ और यहाँ पे है थोड़ा सा अदरक का पेस्ट। तो चलिए मैं अब चलती हूँ कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई ये देखिए मैंने रख लिया है और गरम हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी तेल। तो देखिए मेरा तेल हो गया है गरम। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी मेथी दाना, क्योंकि मेथी थोड़ा सा हार्ड होती है तो थोड़ा सा तड़कने में टाइम लगता है। इसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पर सौंफ, जीरा, मंगरेल, ये सब थोड़ा सा लाल हो जाएगा, अच्छे से चटक जाएगा। मैंने यहाँ पे खाने के तेल में मैंने लिया है सरसों का तेल। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन का पेस्ट, अदरक, मिर्ची और थोड़ा सा है कड़ी पत्ता। अब इसमें मैं डालूंगी आलू जो मैंने मैश करके रखा हुआ है। तो आलू उबालना और छीलना, मैश करना तो आजकल सबको आता है, तो मैंने शुरू से सब नहीं दिखाया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए सारे मसाले मिक्स हो गए। अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया और एक और मसाला डालूंगी। इससे क्या है हमारे पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये है देखिए मैंने ये मसाला डाला है। और ये मसाला कौन सा है मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोग ये देखिए कौन सा मसाला है, मैगी मसाला। बहुत इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक या दो पिंच है यहाँ पे हींग पाउडर है। और इससे क्या है ना फ्लेवर बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी आता है। तो मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। भूनने के बाद मैं लगाऊंगी आटा और इसको कर दूंगी ठंडा होने के लिए, गैस का फ्लेम बंद। तो ये देखिए इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए मेरा ये जो आलू का ये जो मसाला था ये बन के हो गया रेडी। अब इसको रख देती हूँ मैं ठंडा होने के लिए, तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, फिर इसके बाद आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया आटा और आटे में मैं डालूंगी थोड़ा सा तिल है और ये मैं थोड़ा सा डालूंगी अजवाइन है। देखिए तो अजवाइन को मैं ना ऐसे हाथों पर क्रश करके डालूंगी, क्योंकि हमारा जो ये अजवाइन का फ्लेवर है ना वो आना चाहिए आटे के अंदर। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा डाली तिल और थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें नमक, हल्का सा नमक डालूंगी। अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं ये सबको मिला लूँगी और मिलाने के बाद मैं एक अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा लगाऊंगी। तो चलिए मैं आटा लगा के आपको मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पे एक पराठा बना लिया, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कैसे बनाना है। तो लिया मैंने बटाटा, बटाटा का ये है चोखा और मैंने ये आटा लिया। आटे की लोई हमें इस तरह से कुछ इस तरह हमें इसको भरना है और इसका मुंह बंद करना है।
ये देखिए जो एक्स्ट्रा रहेगा आटा उसका पार्ट हमें ऐसे करके निकाल देना है, ये देखिए, और इसका मुंह ऐसे बंद कर देना है, ये देखिए इस तरह से। और दूसरा पराठा है जो मेरा यहाँ पे सेकाई हो रहा है, ये देखिए, और कितना अच्छा से, ये देखिए कितना अच्छा से फूल रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा है। आटा इसका जो डो था मैंने लगा के रख दिया था और बहुत अच्छे तरह से खिल चुका है, तो ये देखिए कितना करारे और अच्छा सा पराठा सेक के हो गया है रेडी। तो ये देखिए ये मैंने भर लिया है और इसको मैं इसे इसे घुमाते हुए हल्के हाथ से, मतलब इसको ऐसे मैं बेल लूँगी, बहुत धीरे धीरे हमको इसको बेलना है क्योंकि इसमें मैंने भरा है चोखा तो ये फूटने का डर रहेगा, तो हमें धीरे धीरे से इसे बेल लेना और ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़्यादा पतला करेंगे तो फूट जाएगा। ये देखिए इसी तरह से तो सारे पराठे मैं बना लेती हूँ और सेक लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो देखिए आप लोग, ये मेरा आयुष खा रहा है पराठा और पराठे के साथ लिया है दही। आयुष कैसा पराठा बना है? अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। इधर देख के बोलो ना कैसा है। और इधर आदित्य भी खा रहा है, ये भी लिया है दही के साथ। मैं उधर गरम गरम बना रही हूँ और ये लोग खा रहे हैं। कैसा आदि? अच्छा है, दही के साथ अच्छा लग रहा है ना। तो फाइनली सब कुछ काम निपट गया, रात के बज गए हैं 11:15 और खाना पीना सबने खा लिया, हस्बैंड जी भी आ गए वो भी खा लिए। किचन का जो काम था अभी अभी मैं वो भी निपटा के आई, बर्तन भी धुल गया, किचन भी साफ हो गया और मैंने थोड़ा दही बनाया था। और दही मैंने ना मिट्टी के बर्तन में बनाया, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मिट्टी के बर्तन में बनाने के लिए। गाँव में हमारे उसको क्या बोलते हैं, कहतरी बोलते हैं, कहतरी। तो मिट्टी के बर्तन में हम दही जब बनाते हैं ना तो हमारी दही मतलब बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं गांव से लेके आई थी, जब इस बार मैं गांव से आ रही थी तो मुझे मार्केट में वो दिखी और बहुत मतलब सस्ती है, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 30 रुपीज़ की है। तो मैं रास्ते में देखी और 1 लीटर की है तो मैं वो लेके आई और उसी में मैं दही बनाती हूँ। मुझे दही उसकी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। और मेरा आयुष तो डेली दही खाता है, डेली दही खाता है, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है कि जिस दिन ये दही नहीं खाए। और खाने के साथ तो खाता ही है, केवल दही खाता है, कटोरी में दही ले लेगा और थोड़ा सा उसमें शक्कर डाल लेगा, चम्मच चम्मच से वो खाता रहता है। जब देखो तब इसके हाथ में कटोरी दही ज़रूर रहती है, ऐसा कभी नहीं होता है। और एक दिन में मेरा मतलब कभी कभी 1/2 लीटर 1 लीटर की दही बनाई रहती हूँ और पता चलेगा शाम तक देखूँगी तो फ्रिज में बिल्कुल दही ही नहीं है, इतना दही खाता है। इसको पता नहीं क्या है, क्यों इतनी दही पसंद है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन बहुत ये दही खाता है। और इसके मतलब इसको बहुत पसंद भी है, फेवरेट भी है इसकी। जितना ये घर में दही खाता है उतना और कोई नहीं खाता। वैसे मेरे घर में हमेशा दही बनती है, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी सीजन हो, ठंडी गर्मी बरसात जो भी हो, हमेशा मेरे घर में कंटिन्यू रेगुलर ही दही बनती है। सब कुछ ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन हमारे घर में दही ना बने। और बच्चों को बहुत मतलब अच्छा लगता है खाने के साथ वैसे भी। लेकिन आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।